हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ स्नेहा चोपड़ा। आई एम वोकेशनल ट्रेनर एट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वॉक साइकिल प्रोसीजर 1, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वॉक साइकिल के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन किया था कि वॉक साइकिल क्या होता है और वॉक साइकिल जो है वो एनिमेशन में इम्पोर्टेंट क्यों है। अब वॉक साइकिल प्रोसीजर 1 में हम उसके स्टेप्स के बारे में कि वॉक साइकिल को कैसे क्रिएट किया जाता है और वॉक साइकिल को कैसे एनिमेट किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो भी, तो आपको ये वॉक साइकिल की इमेज दिख रही है जिसमें अलग अलग पोजेस बने हुए हैं। सबसे पहला पोज है कॉन्टैक्ट पोज, देन गोइंग डाउन पोज जिसको रिकॉइल भी कहते हैं, ब्रेक पोज जिसको पासिंग पोज भी कहते हैं, और फोर्थ है आपका हाई पॉइंट। ये चार पोजेस ही हम लोगों को मेन क्रिएट करने होते हैं वॉक साइकिल को क्रिएट करने के लिए और एनिमेट करने के लिए। इन्हीं चार पोजेस को हम कॉपी पेस्ट करके अपनी पूरी जो है वॉक साइकिल उसको डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो आपके करेक्टर की वॉक साइकिल है, चाहे वो करेक्टर आपका इमेजनरी है या वो ह्यूमन वॉक है। वॉक साइकिल के पीछे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, यही चार पोजेस। अगर आपको आगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट पोज, अगर आपका कॉन्टैक्ट पोज अच्छे से रेडी हो गया दैट मीन्स आपकी 80% वॉक जो है वो कंप्लीटेड है। अब वॉक साइकिल को क्रिएट करने के लिए हम जो है अपने स्टेप्स को कुछ सीरीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर से भी पढ़ते आ रहे हैं कि वो किस तरह से उसको डिवाइड किया जाता है और किस तरह से उस पर काम किया जाता है। तो जो वो सीरीज हैं या जिनको हम स्टेप भी कह सकते हैं, जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, कॉन्टैक्ट पोज है, रिकॉइल या गोइंग डाउन है, ब्रेक या पॉज पोज है, और लास्ट में गोइंग अप पोज है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोज कौन सा है, कॉन्टैक्ट पोज। और कॉन्टैक्ट पोज जो है यही फंडामेंटल आपका रहता है, मेन पॉइंट जो आपका हेल्प करता है पूरी वॉक को डिज़ाइन करने में। क्योंकि जब हमारे पास एक पोजिशन या एक करेक्टर जब कॉन्टैक्ट पोज में डिज़ाइन हो गया तो हम उसी के मूवमेंट्स को चेंज करके फिर पूरी वॉक डिज़ाइन करते हैं। लेकिन उसकी मूवमेंट को चेंज करने के लिए जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिकॉइल है या ब्रेक है, उसके हिसाब से ही उसकी मूवमेंट्स को चेंज करना है। तो एक तो आपको कॉन्टैक्ट पोज रेडी करना है, और कॉन्टैक्ट पोज को रेडी करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि जो अब आप कॉन्टैक्ट में चेंजेस करने वाले हो उस फ्रेम को कॉपी करके, तो वो नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से होनी चाहिए जो आपका रिकॉइल या गोइंग डाउन है। फिर जब आप गोइंग डाउन के ऊपर काम करोगे तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो चेंजेस करोगे तो वो पॉज या ब्रेक के हिसाब से होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है वॉक साइकिल में कॉन्टैक्ट जो आपका पोज है उसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हमें उसी में आती है। एक बार ही जब हमारा कॉन्टैक्ट पोज फर्निश्ड हो गया, कम्प्लीट हो गया, तो बाकी वॉक को डिज़ाइन करने में उतना टाइम नहीं लगता और ना ही उतनी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज को डिज़ाइन करने में आती हैं। अब टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं आपके इसी चैप्टर के, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनिमेशन फॉर वॉक साइकिल। अब एनिमेशन कैसे की जाती है, अगर आपने वीडियो देखी होगी टू डायमेंशनल वॉक साइकिल की, जिसमें मैंने अडोब एनिमेट में एक वॉक साइकिल क्रिएट की है, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से स्टेप्स को एनिमेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कॉन्टैक्ट पोज डिज़ाइन किया एक फ्रेम में, फिर नेक्स्ट फ्रेम में मैंने उसका गोइंग डाउन पोज क्रिएट किया, नेक्स्ट फ्रेम में ब्रेक पोज क्रिएट किया, और लास्ट फ्रेम में मैंने उसका जो है गोइंग अप जो पोज है वो क्रिएट किया। इन्हीं चार फ्रेम्स को मैंने फिर कॉपी पेस्ट किया नेक्स्ट 4 फ्रेम्स में, और फिर इनको लूप में प्ले किया। और जब हम इनको लूप में प्ले करेंगे तो वो इस तरह से लगता है जो हमारा करेक्टर है वो एनिमेटेड है और वो वॉक कर रहा है। तो ये वही सारा कुछ बताया हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी जो है उसमें सॉफ्टवेयर की हेल्प से सारा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो कॉन्टैक्ट पोज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्टैक्ट पोज इन अ वॉक साइकिल। कॉन्टैक्ट पोज बेसिकली क्या है, कॉन्टैक्ट पोज हमारी वॉक साइकिल का फर्स्ट पोजिशन होता है, ये फर्स्ट पोज है जिसमें मैक्सिमम लेवल पे लेग्स और आर्म्स को स्ट्रेच किया जाता है। और कॉन्टैक्ट पोज इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, कॉन्टैक्ट पोज ही ये डिसाइड करता है कि आपके करेक्टर का एटीट्यूड क्या होने वाला है, क्या वो एक डल करेक्टर है
वो हैप्पी करेक्टर है या वो प्राउडी करेक्टर है, तो वो सारी चीज़ें आपका कॉन्टैक्ट पोज ही डिसाइड करता है। तो इस वजह से जो आपका कॉन्टैक्ट पोज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है किसी भी वॉक साइकिल के लिए। ये आपका कॉन्टैक्ट पोज है जो हमने ह्यूमन वॉक साइकिल के थ्रू डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे तो जो दोनों लेग्स हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेस्ड हैं और जो आर्म्स हैं वो भी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्ट्रेस्ड हैं। कॉन्टैक्ट पोज के पीछे जो फंडामेंटल स्किल है वो यही है, लेग्स को भी स्ट्रेच करना है आपको और आर्म्स को भी अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें डिस्क्राइब करना है कि रिकॉइल, पासिंग और हाई पॉइंट क्या है। कॉन्टैक्ट के बाद जो नेक्स्ट पोज आता है वो है रिकॉइल, जिसको आप गोइंग डाउन पोज भी कहते हैं। इसमें जो है वॉक का नेक्स्ट स्टेप हम बताते हैं, जिसमें रियल लाइफ में भी जैसे हम वॉक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा थोड़ा सा बेंट हो जाते हैं वो, क्योंकि लेग्स जो हैं वो बेंट करती हैं, तो इस वजह से मेन पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आगे ये थोड़ा डाउन पोजीशन में वॉक दिखती है, तो इसलिए इसको कहते हैं गोइंग डाउन या फिर रिकॉइल पोज। ये सेकेंड मेन स्टेप है वॉक साइकिल का, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसमें इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट पोज में हमने ऑलरेडी एक करेक्टर डिज़ाइन कर दिया होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो सारा वर्क वही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमने आर्म की पोजीशन और लेग्स को थोड़ा सा बेंट किया है, अदरवाइज़ करेक्टर वही है, काम वो सारा हो गया वो ऑलरेडी जो हमने कॉन्टैक्ट पोज में किया था। यहाँ पर सिर्फ हमने उस वर्क में थोड़ी सी चेंजेस की हैं, इस वजह से कॉन्टैक्ट पोज ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्रिएट करना, बाकी के पोजेज जो हैं वो ईजिली क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद है आपका पासिंग पोज या फिर जिसको हम ब्रेक पोज भी कहते हैं, जिसमें हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे अब एक लेग जो है वो बेंट है और आर्म्स दोनों स्ट्रेट हैं, क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो एनिमेशन के साइकिल में जो ये है आपका, ये थर्ड पॉइंट होता है जिसको हम लोग ब्रेक पोज कहते हैं, और लास्ट है आपका हाई पॉइंट जो वॉक साइकिल का लास्ट स्टेप है, और यही जो है स्टेप जो है ये कंप्लीट करता है किसी भी वॉक साइकिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस क्या है वॉक साइकिल की। सिंपल है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट पोज क्रिएट करेंगे, डाउन पोज क्रिएट करेंगे, ब्रेक पोज क्रिएट करेंगे, अप पोज क्रिएट करेंगे, रिफाइन करेंगे अप और डाउन को, साइड बाय साइड वेट को काउंट करेंगे, चेस्ट मूवमेंट डिफाइन करेंगे और आर्म्स की मूवमेंट को चेक करेंगे। तो ये प्रोसेस है हमारी वॉक साइकिल की।